नमस्कार, आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। खबर प्रयागराज से, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। ताजमहल परिसर में प्रवेश का मामला, धर्मदंड और भगवा वस्त्र धारण कर प्रवेश का मामला। महंत परमहंस दास की याचिका पर हुई सुनवाई। वकील ने मामले में दाखिल किया हलफनामा। 20 सितंबर को याचिका पर अगली सुनवाई होगी। धर्मदंड और भगवा वस्त्र धारण कर प्रवेश का ये मामला है। बड़ी खबर प्रयागराज से आपको लगातार बता रहे, महंत परमहंस दास की याचिका पर सुनवाई हुई। वकील ने मामले में हलफनामा दाखिल किया। आपको याद होगा, परमहंस दास ताजमहल में अंदर प्रवेश कर रहे थे, जहां पर उनके धर्मदंड को लेकर कहा गया था कि ये अलाउ नहीं है। आखिरकार बाद में उनको परमिशन दी गई, लेकिन फिर वो नहीं गए। और ताजमहल परिसर में प्रवेश के मामले में कोर्ट में सुनवाई। धर्मदंड और भगवा वस्त्र धारण कर प्रवेश का ये मामला है। आगे बढ़ेंगे। ज्ञान वापी से जुड़े एक मामले की सुनवाई हुई। वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। 6 अक्टूबर से नियमित रूप से होगी सुनवाई। मुकदमा नंबर 712/2022 को लेकर सुनवाई। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से मांगा समय। मामले में अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। 6 अक्टूबर से नियमित रूप से मामले पर सुनवाई होगी। मुकदमा नंबर 712/2022 को लेकर सुनवाई होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से मांगा समय। ज्ञान वापी से जुड़े एक मामले को लेकर सुनवाई हुई। देखिए, इससे पहले भी आपको याद है, श्रृंगार गौरी मामले में तो कल कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर हां की है और कहा है कि यह मामला सुनने लायक है। अब ज्ञान वापी मामले में अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। 6 अक्टूबर से नियमित रूप से सुनवाई होगी। संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, क्योंकि कई मामले हैं, कई याचिकाएं हैं जिन पर एक एक करके सुनवाई हो रही है, आज का ये जो मुकदमा 7/2022 है, ये इसको लेकर आज क्या कुछ सुनवाई हुई है और क्या है ये इस याचिका में? देखिए, कल के मुकदमे की बात की जाए तो कल के मुकदमे के बाद तमाम और भी केसेज हैं जिनकी संख्या 5 है, जो ज्ञान वापी के मामले से जुड़ी हुई है। निश्चित तौर पे ये कहा जाएगा कि जो मुकदमे हैं वो मुकदमों के फैसले, या ये कहा जाए कि जज के जो फौरी जानकारी है, जो निर्देश है, वो हिंदू पक्ष में जाता दिख रहा है। कल की यदि बात की जाए तो कल जिस मुकदमे पे मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, संविधान के विरोध है, जज ने साफ साफ कहा कि ये मुकदमा सुनने योग्य है और सुना जाएगा। दूसरी ओर यदि आज की बात की जाए तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि आज की मुकदमा का स्वभाव यही था और संभवतः जो बातें हो रही है इनको ट्रांसफर करके, हालांकि एक दो केस ऐसे हैं जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे हैं, सभी कोर्ट को भी फास्ट ट्रैक में कन्वर्ट करने की बात की जाएगी, या ये कहा जाए कि निवेदित किया जाएगा। दूसरी ओर यदि देखा जाए तो चाहे वो सरकार हो या फिर जनता हो या फिर जनमानस हो, इन भावनाओं की भी अपनी एक वजह होती है, एक अपना वजह कारण होता है। और इन सबों से ऊपर यदि न्यायालय की बात की जाए, जिससे पूरा संविधान चलता है, उस न्यायालय को भी उन तथ्यों की जानकारी रहती है, या ये कहा जाए कि उनपे वो नजर दिखाते हैं जो तथ्य से पूर्ण हो। कल की बात हम फिर एक से बार कहेंगे, लगातार ज्ञान वापी के मसले पे मुसलमान ये कह रहे थे कि इसे उपासना स्थल अधिनियम के तहत नहीं सुना चाहिए, ये वर्फ बोर्ड इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो न्यायालय ने इस बात का साफ साफ इंडिकेशन मुस्लिम पक्ष को दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, इसे सुना जा सकता है और ये सुननी योग्य। यही वजह है कि अगली तारीख इसकी 22 तारीख पड़ी और आज के भी मुकदमे में एक नई तारीख करके उसे जल्दी निपटाने का, या ये कहा जाए कि लगातार सुनवाई करने का एक फैसला आया। जी चलिए, ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।
मामले में अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। आज भी ज्ञानवापी मामले से संबंधित एक याचिका जिस पर सुनवाई हुई और उसकी तारीख तय हुई है अगली 6 अक्टूबर, नियमित रूप से अब 6 अक्टूबर से नियमित रूप से सुनवाई होगी। 712/2022 मुकदमा नंबर, जिसको लेकर अब यह सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला, मथुरा से खबर। जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई, अधिवक्ता महेंद्र प्रताप के पत्र पर हुई सुनवाई। सर्वे की मांग की रिवीजन को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ने ही अपनी अपनी दलील रखी। सुनी वक्फ बोर्ड के हाजिर न होने के चलते सुनवाई की तारीख 3 अक्टूबर को तय हुई है। वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने मुस्लिम पक्ष और सुनी वक्फ बोर्ड पर आरोप लगाया, ये लोग मुकदमे को आगे नहीं चलने देना चाहते हैं। खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी इलाके की, जहां पर कब्जे की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर निरीक्षण करने लोनी विधायक नंदकिशोर गुज्जर पहुंच गए। कब्जा देखकर विधायक जी का पारा हाई हो गया और अधिकारियों पर भड़क उठे। वहीं इस दौरान लोनी विधायक ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की और इस दौरान में क्या कुछ कहा, सुनिए। सीधे बातचीत करने के लिए लोनी विधायक नंदकिशोर गुज्जर हमारे साथ हैं। गुज्जर साहब, आज आपने निरीक्षण किया है लोनी का, किस तरीके की सूचनाएं मिल रही थी जो आपने निरीक्षण किया? देखिए, जन सुनवाई के दौरान लगातार सूचनाएं मिली है कि अधिकारियों के पास जाते हैं तो भूमाफिया बैठा हुआ मिलता है। हमने भी कई बार शिकायत की, पत्र लिखे, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। आचार संहिता के दौरान अधिकारियों ने कब्जा कराया, उसके बाद कुछ दिन शांत रहे। 3 महीने से हालात हो गए कि मेरे पास जनता दरबार में सुबह सुबह सारे लोग भूमाफिया के खिलाफ जी मेरे यहाँ फर्जी कागज बना के घुस गए, पैसे नहीं लिए, जमीन नहीं दे रहे, और सरकारी ज़मीनों को जिस पैमाने पर घेरा गया है। लोनी में मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, अरबों रुपये की ज़मीन पर कब्जा किया गया है, बहुत बेशकीमती ज़मीन। अब आश्चर्य की बात है कि 40 फुटे रोड के ऊपर ही मकान बना लिया। आज जब हम तहसीलदार लोनी को वह दिखाया, उनके स्टाफ को, तो वो खुद देख रहे हैं ये कैसा हो गया। तो जो भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जिम्मेवारी एसडीएम लोनी की बनती है, मैं क्योंकि लगातार पत्र में लिख रहा हूँ और उस बात को हवा में उड़ा दिया जाता है चिट्ठी लिख करके, और उसकी चिट्ठी का जवाब देना कि मैंने फला को लिख दिया है, कार्रवाई करके अवगत कराना चाहिए अधिकारी को। तो जो भी इन्वॉल्व है वो जेल जाएंगे, सस्पेंड नहीं होंगे, हटेंगे नहीं। अब हमें किसी भी हद तक जाना पड़े ऐसे लोगों को गिरफ्तारी होगी, क्योंकि ये जमीन इनके बाप की नहीं है, सरकार की जमीन है, जिस पर हमें बहुत अच्छे अच्छे काम करने थे। पार्कों का कब्जा करा दिया गया है लगातार, अभी लेंटर हमारे सामने डाल रहा था। तो तत्काल अगर नहीं रोका गया इनको और इनका कठोर कार्रवाई नहीं हुई, तो हम हराम कार्रवाई कराएंगे। मैंने मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उसके बाद विधानसभा में अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। GDA से अप्रूव्ड पार्क कई कॉलोनियों में पूरी तरह कब्जा करके उनका भूमाफिया लगातार मकान बना रहे हैं, और मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ, लेकिन जब जूनी रह रही है तो जब सर से पानी ऊपर से गुजर रहा है, तो मैं सक्षम हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। ये लोनी विधायक नंदकिशोर गुजर को सुन रहे थे, वीडियो रवि के साथ सूरज शर्मा ने सुन लिया गाजियाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया। वहीं कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत में कहा कि वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है। समिट में अलग अलग देशों से लोग आए हुए हैं, ज्ञानवापी विवाद को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा और क्या कुछ बातें कही, सुने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी हैं। सर, नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन हो रहा है, किस तरीके से इस तरीके के आयोजन को देखते हैं आप? देखिए, हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है, जो प्रदेश के अंतिम गाँव तक विकास की रोशनी पहुँचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के 130 करोड़ लोगों के उत्थान के लिए, उनकी तरक्की के लिए हमेशा कार्य करते हैं। और जो कल का कार्यक्रम था, आज सहकारिता से गांव, प्रत्येक गांव में 100-200 लोगों को रोज़गार मिले, इसकी दिशा में भी माननीय गृह मंत्री जी ने कल रात की बैठक में बड़ी विस्तार से चर्चा करी।
तो निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा धरातल पर दिखाई दे रहा है। पहली बार हुआ कि कोई प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री इस ग्रेटर नोएडा, नोएडा में रहने वाले लोग, वहाँ के बुद्धिजीवी लोग, चाहे एजुकेशन सेक्टर के लोग हों, चाहे मेडिकल सेक्टर के लोग हों, चाहे और तमाम व्यापारी इंडस्ट्रीस्ट और आम जनमानस यहाँ रहने वाले, वन से वन टू वन संवाद किया, उनकी समस्याओं के तत्काल समाधान के सीईओ, तीनों अथॉरिटी के सीईओ थे, पुलिस कमिश्नर यहाँ पर थे, सबको निर्देश दिए कि सहजता से सरलता से कैसे सारी चीज़ों को सुगम बनाया जाए और जितनी भी हमारी वो जटिल कानून के से कुछ दिक्कतें हैं तो उसको भी सरल किया जाए। तो आखिरी सवाल रहेगा, ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष को भी सुना जाएगा, कोर्ट के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और जनता को सच जानने का पूरा अधिकार है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और सभी को सुनने का अधिकार कोर्ट के पास है और निश्चित तौर पर कोर्ट के इस फैसले का हम दिल से स्वागत करते हैं। विजेंद्र सिमांसू के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण की मनमानी चली, जगत फार्म मार्केट में बिना नोटिस के ही बुलडोजर चला, अथॉरिटी की तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया गया, मार्केट के व्यापारियों में भारी आक्रोश है, व्यापारियों ने मार्केट बंद करने का आदेश दिया। मार्केट में प्राधिकरण की तरफ से सुविधाएं मिलती नहीं, नई नई परियोजना लाने वाली प्राधिकरण फेल हो चुकी है, सीएम योगी की नीतियों पर पलीता लगाते नजर आते हैं प्राधिकरण के अधिकारी, बेवजह परेशान करने पर उतारू हुई ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, बारिश के पानी से बचाव के लिए ये रैंप बनाए गए थे, मार्केट के व्यापारियों में भारी आक्रोश है। मार्केट में प्राधिकरण की तरफ से सुविधाएं कोई मिलती नहीं, लेकिन हां इस तरीके की मनमानी जरूर चल रही है, नई नई परियोजना लाने वाली प्राधिकरण फेल हो चुका है, सीएम योगी की नीतियों पर पलीता लगाता नजर आता है प्राधिकरण और प्राधिकरण के अधिकारी, बेवजह परेशान करने पर उतारू हुई ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, बारिश के पानी से बचाव के लिए रैंप बनाए गए थे लेकिन देखिए कैसे यहां बुलडोजर चल रहा है। ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण की मनमानी चल रही है, जगत फार्म मार्केट में बगैर नोटिस के ही बुलडोजर चल रहा है, अथॉरिटी की तरफ से कोई नोटिस मिला नहीं, इस कार्रवाई के बाद मार्केट के व्यापारियों में काफी आक्रोश है, व्यापारियों ने मार्केट बंद करने का आदेश दिया है। प्रिया राणा मेरे साथ जुड़ रही है, मेरी सहयोगी। प्रिया, नई नई परियोजनाएं लाने वाला प्राधिकरण फेल हो चुका है, ये अथॉरिटी इतनी मनमानी क्यों कर रही है? देखो, देखिए पूजा, ये कोई पहली बात नहीं है इस तरीके की मनमानी नोएडा प्राधिकरण की लगातार देखने के लिए मिलती थी, अब ग्रेटर नोएडा में भी प्राधिकरण की जो मनमानी यहाँ देखने के लिए मिल रही है। आपको बताना चाहेंगे कि जगत फार्म हाउस में बिना नोटिस जारी किए वहां पर बुलडोजर जो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के द्वारा चलाया गया है, अथॉरिटी की तरफ से कोई भी नोटिस यहाँ पर नहीं दिया गया था दुकानदारों को, इस बात को लेकर मार्केट के व्यापारियों में भारी गुस्सा भी देखने के लिए मिल रहा है, व्यापारियों ने मार्केट बंद करने का आदेश भी दिया है। मार्केट में मूल रूप से प्राधिकरण की तरफ से कोई भी सुविधाएं नहीं थी, वहीं इसको लेकर जो वहां के व्यापारी हैं लगातार नजर गुस्से में नजर आ रहे हैं, उनका कहना यह है कि बाहर जो उन्होंने सीढ़ियां बनाई हुई थी वो रैंप इसलिए बनाई गई थी कि बारिश का बहुत ज्यादा पानी होता था। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बिना नोटिस के पूरी जो ये मार्केट है यहाँ पर तोड़फोड़ प्राधिकरण के द्वारा की गई है, जिससे कि यहाँ के व्यापारी जो है अभी काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। जी पूजा, अभी यहाँ पर अथॉरिटी की तरफ से क्या बात आई है निकल के सामने प्रिया, क्योंकि कोई नोटिस दिया नहीं गया, सीधे कार्रवाई सीधे एक्शन? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जो व्यापारी हैं उनमें आक्रोश है पूजा, क्योंकि वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि देखिए किसी भी चीज की हमें तोड़फोड़ करनी है तो उसके लिए पहले हमें नोटिस जारी करना होगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी नोटिस नहीं दिया, किसी को कोई जानकारी नहीं दी, वही सीधा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से बुलडोजर आते हैं और वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में तोड़फोड़ की जाती है, जिससे कि वो सारे व्यापारी दुकानदार वहाँ पर गुस्से में है, उनका कहना है कि वो मार्केट को बंद कर देंगे,
जिसको लेकर वहां पर काफी भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से व्यापारियों ने अपना आक्रोश दिखाया है तो वहां पर शांति कैसे बनी रहेगी, क्योंकि देखिए जो आप तस्वीरों में देख रही हैं तो आसपास के सारे एरियों में तोड़फोड़ जो है प्राधिकरण के द्वारा की गई है। जी पूजा, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। सहारनपुर स्थित शाकुंभरी देवी सिद्ध पीठ में अचानक से बाढ़ से दर्शन को गए कई श्रद्धालु ताश के पत्तों की तरह बह गए। बताया जा रहा है कि इस बाढ़ के कारण एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई जबकि दो श्रद्धालु अभी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं चार श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर बचाया गया। ये सभी लोग सहारनपुर से शाकुंभरी देवी मंदिर दर्शन के लिए गए थे। इसी दौरान शाकुंभरी देवी बरसाती नदी में अचानक बाढ़ के चलते ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि सहारनपुर के पेपर मिल रोड के रहने वाले हेमंत परिवार के साथ शाकुंभरी देवी सिद्ध पीठ पर दर्शन के लिए गए थे। सुबह करीब 6 बजे जैसे ही उनकी कार मंदिर के नजदीक पहुंची तो अचानक देखते ही देखते सड़क पर पानी का सैलाब आया और इस कारण कार पानी के सैलाब में बहने लगी। ये पानी पहाड़ी क्षेत्र में हुई बारिश के कारण आया था। बाढ़ के पानी में कार को बहता देख लोग तुरंत बचाने के प्रयास करते नजर आए और जैसे जैसे चार लोगों को बचा भी लिया गया। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ मौके पर पहुंची। इस हादसे के बाद हेमंत की पत्नी का शव बरामद कर लिया गया है जबकि दो लोग अभी भी लापता हैं। हादसे के बाद हेमंत के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। अमेठी में फर्जी डॉक्टर का बड़ा कारनामा। फर्जी डॉक्टर ने अवैध नर्सिंग होम चलाया हुआ था। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मचा। फुर्सतगंज सीएचसी अधीक्षक की जांच में खुलासा हुआ। सीएचसी अधीक्षक ने कार्रवाई के लिए सीएमओ को रिपोर्ट भेजी है। देव नर्सिंग होम के नाम से नर्सिंग होम चल रहा था। सीएचसी अधीक्षक ने देव नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। फर्जी डॉक्टर बनकर संचालक स्वयं मरीजों का इलाज कर रहा था। जायज कस्बे में अवैध रूप से नर्सिंग होम चल रहा था। शिकायत पड़ी हुई थी उसके संदर्भ में हम लोग जाँच में गए थे तो वहाँ पे दो मरीज भर्ती मिले हैं 2-3, लेकिन कोई डॉक्टर उस समय उपस्थित नहीं था। और उसकी प्रथम दृष्टया जो कुछ देखा गया उसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई अग्रिम कार्रवाई जो होगी। एक IGRS। और झांसी में थप्पड़ मार महिला टीचर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थप्पड़ मार टीचर नगर पालिका पब्लिक हाई स्कूल में क्लास 3 के बच्चों को पढ़ाती है। थप्पड़ मार महिला टीचर क्लास में बैठे सभी बच्चों के सामने 2 छात्रों को लगातार थप्पड़ पर थप्पड़ मार रही है। हालांकि वीडियो को देखकर लगता है कि बच्चों ने अपने साथियों के साथ कोई जरूर शरारत की होगी, लेकिन बच्चों को प्यार से समझाने की जगह उनकी थप्पड़ों से पिटाई करती टीचर नजर आ रही है। हालांकि एक और वीडियो आपने आज सुबह से देखा होगा जो लगातार वायरल हो रहा था, उसमें बच्चा अपनी टीचर को मनाता हुआ नजर आ रहा है, वो भी बड़े प्यार से। लेकिन यहाँ पर ये एक शिक्षिका हैं जो थप्पड़ पर थप्पड़ लगाती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। बच्चे अगर शरारत कर रहे हैं या कोई गलती है तो उनको प्यार से समझाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर तो ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बौछार हो रही है। खबर रायबरेली से है जहाँ पर यात्री कर अधिकारी की दरियादिली सामने आई है। सड़क के किनारे घायल पड़े अधेड़ को अस्पताल में भर्ती कराया। यात्री कर अधिकारी की दरियादिली देख लोगों ने सराहना भी की। शहर कोतवाली इलाके के जेल रोड के पास की घटना है। झांसी के गरौठा तहसील के धमनोड़ गांव में अवैध खनन का खेल जारी है। दरअसल खनिज विभाग की ओर से 3 महीने के लिए निजी भूमि के पट्टे दिए गए, लेकिन बालू के सभी पट्टों पर अवैध तरीके से NGT के नियमों को ताक पर रखकर खनन चल रहा है। NGT के नियमों के विपरीत खेतों में गहरे कुएं नुमा गड्ढे खोदकर उनमें से बालू का खनन हो रहा है, जबकि सरकारी निर्देशानुसार केवल 0.7 मीटर की गहराई तक ही खनन करने की अनुमति होती है, लेकिन यहां पर तमाम नियमों को ताक पर रखकर बड़े स्तर पर खनन चल रहा है। कहाँ पे हो रहा है नाम बताइए एग्जैक्टली कहाँ? तहसील गरौठा में धमनोड़। अवैध तरीके से हो रहा है? अवैध तरीके नहीं, वहाँ पे खनन का पट्टा है कि नहीं? पट्टा है, लेकिन जो गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं किया। क्या गाइडलाइंस का पालन नहीं? जो NGT की गाइडलाइंस है, कांटा नहीं लगा है, कैमरे नहीं लगे हैं, मात्रा से अधिक गहराई है कुएं फॉरेस्ट की सरकारी जमीन में पहाड़ी काट के उसकी मोरम यूज कर ली गई है कई ट्रक। ऐसा है? इसका वन विभाग में 6 अगस्त में मुकदमा भी लिखा है। गांव का नाम क्या बताए? धमनोड़।
नन्हे मुन्ने बच्चे देश का भविष्य कहे जाते हैं। सरकार के द्वारा भी शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्राथमिक विद्यालय नोएडा के असगरपुर के सेक्टर 128 में स्थित है। यहाँ इनोवा सॉल्यूशन विद्यालय असगरपुर को गोद लिया गया। अगर आप इस स्कूल के अंदर की तस्वीरें देखेंगे तो यकीन मानिए खराब व्यवस्था को आप सोचने पर मजबूर जाएंगे कि स्कूल है या झोंपड़ी। स्कूल में छतों से पानी टपकता है, बिजली के बोर्ड खोले हैं, किसी वक्त कोई बच्चा किसी हादसे का शिकार हो सकता है। लेकिन अब स्कूल की तस्वीर बदलने वाली है। इनोवा सॉल्यूशन एसीएस के द्वारा पहल की गई है इस स्कूल को गोद लेने की। इनोवा सॉल्यूशन के द्वारा अब स्कूल को मॉडिफाई कराया जाएगा, पेंट होगा, बिजली के बोर्ड जो खुले हैं बंद किया, यानी जो तमाम अव्यवस्थाएँ हैं उन अव्यवस्थाओं को दूर किया जाएगा। विद्यालय में जो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था, उस समस्याओं को महसूस किया और उसे दूर करने के लिए उन्होंने कोशिश करनी शुरू की है। मैं मैम का बहुत आभार करती हूँ। हमारे विद्यालय में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, जैसे कि हमारे बारिश के पानी से बहुत दीवारों से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्लासरूम में भी पानी आ जाता है, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दीवारों की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। वैसे यहाँ इलेक्ट्रिक डिवाइस भी खुले हुए हैं, जिससे कभी भी कोई भी अनहोनी होने की आशंका बनी रहती है। विद्यालय के प्रांगण में अक्सर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, जिससे कि बच्चों को आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। पीने की व्यवस्था भी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसलिए पूरा यह है कि यहाँ पर जो है एक स्वस्थ वातावरण नहीं बन पाता, जिससे कि बच्चों को अच्छे से हम शिक्षा दे सकें। हालत तो बहुत बहुत ख़राब है और इसके लिए हम जो भी कर पाएंगे, पानी आ रहा है अंदर, जो इलेक्ट्रिसिटी की है प्रॉब्लम, वो सारा हम ठीक करके, इसके फ्लोरिंग भी ठीक करके, देन अल्टीमेटली ये है कि हम यहाँ पर कंप्यूटर लैब डालेंगे, यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड एक कमरे में, ये सब होगा ताकि ये बच्चों को कंप्यूटर्स की कमी नहीं रहे। बिकॉज़ अगर आगे बढ़ना है बच्चों के लिए, उनको कंप्यूटर्स की बहुत ज़रूरत है। ये हमारा पहला स्कूल है और एक और हम हैदराबाद में अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी शुरुआत है, बट ओनली द बिगिनिंग। नोएडा के सेक्टर 128 के असगरपुर क्षेत्र में, जहां पर प्राथमिक विद्यालय में हम मौजूद हैं, आप पीछे की तस्वीरों में देखेंगे तो इनोवा सॉल्यूशंस एसीएस के द्वारा इस स्कूल को गोद लिया गया है। क्योंकि देखिए, सरकार के द्वारा गवर्नमेंट स्कूल है, जहाँ पर आप स्कूल की हालत देखेंगे तो थोड़ी बस से बदतर होती हुई नजर आ रही है। बच्चे जो हैं शिक्षा की ओर लगातार ध्यान दे रहे हैं, तो एसीएस सॉल्यूशंस इनोवा के द्वारा यहाँ पर पहल की गई है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल जैसी शिक्षा यहाँ पर दी जाए, जिसके लिए इनोवा सॉल्यूशन एसीएस यहाँ पर अपने कदम बढ़ा रहा है। अगर आप अंदर की तस्वीरों में देखेंगे स्कूल की, अगर हम कक्षा की बात करें तो कक्षा के अंदर यहाँ पर देखिए बच्चे लगातार पढ़ते हुए आपको नजर आएंगे, बेंचेज है। लेकिन आप इसकी छत देखेंगे तो छत पर जब बारिश होती है तो यहाँ से पानी टपकता हुआ नजर आता है। वहीं अगर हम बात करें बिजली के बोर्ड्स की, तो जो यहाँ पर बिजली के बोर्ड्स हैं ओपन में वायर हैं, देखिए कोई भी हादसा हो सकता है, तो इसलिए हमें ध्यान देना होगा, जिसके लिए इनोवा सॉल्यूशंस यहाँ पर ध्यान देता हुआ नजर आ रहा है, अपनी पहल कर रहा है। आप देखिए पीछे के बोर्ड्स यहाँ पर देखिए, स्विच बोर्ड, मान लीजिए कोई बच्चा अगर इसे टच करता है तो करंट लग सकता है, किसी की जान भी जा सकती है, जिसको लेकर अब जो लगातार शिक्षा की ओर कदम बढ़ रहे हैं, नए नए एनजीओ आ रही हैं, संस्था आ रही हैं और शिक्षा में कदम उनके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो असगरपुर प्राथमिक विद्यालय में, जहाँ पर इनोवा सॉल्यूशन एसीएस के द्वारा इस स्कूल को अडॉप्ट किया है, उन्होंने जिम्मा उठाया है कि इस स्कूल को पूरा वो मॉडिफाई करेंगे। चाहे हम बात करें बच्चों के रहन सहन की, छत की या बिजली की, तो सभी काम उसके द्वारा किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि इनोवा सॉल्यूशन एसीएस ने जो जिम्मा उठाया है ये कितना कारगर साबित होगा, या फिर सिर्फ एक ये महज एक बहाना होगा कि स्कूल को हमने अडॉप्ट किया है, ये हमें देखना होगा। न्यूज़ वन इंडिया से मैं प्रिया राणा, नोएडा। आज हम चलिए फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत, आगे भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।